इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 500 इंटरनल सर्वर एरर यूट्यूब के अंदर हमारा आता है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ये एरर होता क्या। देखिए, एक मैसेज होता है यहाँ पर कि जब आपके या तो सर्वर में या फिर इंटरनल किसी में भी कुछ एरर आता है, जैसे मान लीजिए YouTube का सर्वर डाउन हो गया, तो वहाँ पर ही आपको एरर दिखा सकता है। और यहाँ पर इस एरर को कैसे सोल्व किया जा सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो वैसे यहाँ पर 19% जो है वो YouTube वाले खुद ही उसको सोल्व कर देते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ आपको करना ज़रूर पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद जब नीचे जाएंगे आप, तो सबसे पहले यहाँ पर एरोप्लेन मोड को लगा देना अपने फ़ोन पर, बंद कर देना है। उसके बाद बैक लाना है और बैक लाने के बाद इंस्टॉलेड ऐप में जाना है। इंस्टॉलेड ऐप में जाने के बाद यहाँ पर आपको YouTube को सर्च कर लेना है। देखिए थोड़ी सी देर लगेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर YouTube को आपको ढूंढ लेना है। तो ये रहा हमारा YouTube, इसको खोल लेना और यहाँ से सिंपली इसका डेटा क्लियर कर देना है। जैसे आप इसके डेटा क्लियर करेंगे आपकी सारी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर सोल्व हो जाएगी। और आप अपने YouTube को अपडेट देख लीजिएगा कि क्या पता आपके YouTube में अपडेट हो, तो अपने YouTube में जो है आप अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि प्ले स्टोर में आप जाएंगे और टाइप करेंगे यहाँ पर YouTube और सर्च कर देंगे, अगर यहाँ पर आपको अपडेट दिखता है तो उसको अपडेट कर लीजिए। पहले अपडेट करिएगा, बाद में डेटा क्लियर करिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।